Hi guys, uh, welcome back to our super quick revision. We are still on to our decision making part. So, let's continue further. Uh, let me also just remind you that all these lectures do come on CA final underscore agent uh, So, the notes for that are also available over there only. So, let's start this question number 59 please. So, let's start away with question number 59. ELEC please, please. E -E is engaged in manufacture of four products in its factory. The production and the sales volume is much lower than the normal volume. बस में इसी चीज से मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया अगर कभी तुम्हारा एक्चुअल वॉल्यूम विल बी लोअर देन योर बजटेड वॉल्यूम देन इन दैट पर्टिक्युलर केस विल बी अंडर एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पर अंडर एबजॉर्प्शन था वो मैंने तुम लोग को बोल दिया था अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर अपने पास चार प्रोडक्ट्स थे दैट इज ए बी सी एंड डी से सी वॉज लॉस मेकिंग एज पर देम ओके इन रियालिटी इट वॉज नॉट लेकिन उन लोगों की स्टेटमेंट के हिसाब से वो लॉस मेकिंग लग रहा था तो वो लोग सारे के सारे वेज निकाल रहे थे कि ना सी को कैसे बंद किया जाए और अपना जो प्रॉफिट है कैसे अप किया जाए तो सेल्स डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरेज जिसका दो पार्ट होना चाहिए था एक वेरिएबल और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसका दो पार्ट होना चाहिए था दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स टू वही तो हम लोगों ने वो चीज़ करके हम लोगों ने सारे बाइफर्केशन करके पहले अपना नॉर्मल स्टेटमेंट बनाया नॉर्मल स्टेटमेंट मतलब सेल्स मैन इज वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू लेस फिक्स कॉस्ट विल स्टार्ट टू गिव यू ऑल प्रॉफिट ओके तो वो वाला चीज जब हम लोगों ने किया तो अपने को प्रोडक्ट ए बी सी का और डी का यहाँ पे ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी मिलना स्टार्ट हो वो हो गया बिकॉज दी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन वाइट क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अपोर्शन हुआ है तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग होंगी ठीक है तो हम लोगों ने नया स्टेटमेंट्स को बनाया था ठीक है अभी उसके बाद ना उन लोगों ने अपने को यहाँ पर सी का एक नेचर दिया था और सी का जो नेचर था वो क्या था कि इन दिस पर्टिकुलर केस ना C का जो सेल्स है यहाँ पर इस क्वेश्चन के टू हंड्रेड लैक्स का था तो सम एग्जाम्पल के तौर पर सेल्स इज डन इन डेली अगर, अगर सपोज डेली के अंदर ये वाला हंड्रेड लाख रुपीज का सेल्स नहीं हुआ तो कस्टमर सी के बदले में डी खरीदना स्टार्ट कर देगा और डी का जो पी वी रेशियो था ना बहुत ज्यादा था ये एक चीज था कि सी हाफ जो है वो बंद कर दोगे तो जो डी का सेल्स है वो बढ़ जाएगा दैट वाज फर्स्ट थिंग सेकंड उन लोगों ने एक और चीज भी बोला था सी का जो 25 परसेंट सेल्स है बोले तो 50 लाख ऐसा सेल्स है जो ए के साथ किया जाता है और अगर कभी ये वाला सी का सेल्स बंद हुआ ना तो ए का भी सेल्स अफेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास इन ऑल तीन ऑप्शन थे फर्स्ट ऑप्शन था कि यहां पर ना जो सी है कंटिन्यू करते रहो कंटिन्यू करते रहोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ट्वेंट ट्वेंटी फोर लैक्स आएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर सी कंटिन्यू डी है या फिर दूसरा ऑप्शन था टोटली बंद कर दो अगर टोटली बंद कर देंगे तो ये 200 हंड्रेड लैक्स विल बिकम जीरो इंपैक्ट होएगा दो इंपैक्ट क्या एक तो डी का सेल्स जो है वो 100 लैक्स से वो बढ़ जाएगा दूसरा अगर सी का सेल्स कम हो जाएगा तो ए का भी सेल्स अपना कम हो जाएगा बाकी जो 50 लैक्स बच जाता है ना वो बंद होगा तो बस वही बंद होगा उसका आगे और कुछ इंपैक्ट नहीं है ये अपना सेकंड ऑप्शन था ये ऑप्शन इवेल्यूएट करते करते मैं तुमको दोनों मेथड से कराया व्हाट वाज द प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर दी दू ट्वेंटी फोर लैक्स था व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर दी ऑफर ओके वो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो फिर से बना लिया था दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनज फिक्स कॉस्ट मैंने उसके बाद में तुम लोग को डिफरेंशियल एनालिसिस भी करवा दिया था कि आप लोग सिर्फ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात कर लो जो पहले था और अभी भी था दैट विल बी ऑल यूजलेस ठीक है एग्जाम्पल के तौर

और दोनों मेथड से सॉल्व किया था वेल बी द प्रॉफिट वंस यू एक्सेप्ट ऑफर या फिर आप लोग डिफरेंशियल वो कर लेना बेस्ड अपॉन दैट अपने को पता चला लास्ट ऑप्शन इज अ बेस्ट ऑप्शन एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फाइनेंशियली बोल दिया था दैट प्रपोजल इज अ बेस्ट प्रपोजल ठीक है फिर उसके बाद जब यहां पर कमेंट्स का बात आया ना जब यहां पर कमेंट्स के बारे में बात आया पार्ट बी के अंदर दैट टाइम वी ट्राई टू बी सेइंग कि लाइक यू नो विच आउट ऑफ द प्रपोजल इज अ गुड प्रपोजल वो तो लास्ट प्रपोजल फाइनेंशियली बहुत बेस्ट लेकिन जब कमेंट्स के बारे में बात आया तो मैंने तब तुम लोग को एक चीज़ जरा बोला यहाँ पे मेजरली तुम्हारा प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग सी बंद करके तुम लोग अज्यूम कर रहे हो कि कस्टमर लोग डी खरीद लेंगे और डी का जो पी वी रेशो है दैट्स फिफ्टी एट परसेंट एज कम्पेयर टू सी का जो सिर्फ नाइनटीन परसेंट है अभी क्या है वेन एवर यू ट्राई टू थिंक ऑफ डिसकंटिन्यूंग सर्टन प्रोडक्ट ओके एंड यू आर अंडर द प्रिजम्पन आर नॉट ऑफर्ड दिस बाई सम प्रोडक्ट दीज आर दिंग्स विच आर रिलेटेड टू कस्टमर ओके कस्टमर का परसेप्शन जाना बहुत जरूरी है क्या वो बंदा सी के बदले में डी खरीदने के लिए तैयार होगा जब तक आप लोग बराबर मार्केट रिसर्च नहीं करते डू नॉट टेक सच पर्टिकुलर कॉल्स क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉल ले लिया सी को बंद कर देंगे और सी के बदले में कस्टमर्स विल स्टार्ट टू बी बाइंग डी अगर सपोज ऐसा नहीं हुआ तो जो सी से कमाते थे

लोग डी खरीदने के लिए तैयार ना हो फर्स्ट थिंग अगर सपोज सी के बल्ले में डी लोग खरीद ही सकते थे आप लोगों ने सी कभी क्यों बनाया अपार्ट फ्रॉम दैट सी का जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो पी वी रेशो से अपने को पता चल जाता है सी का जो वेरिएबल कॉस्ट है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डी तो शायद सी का क्वालिटी भी अच्छा होगा तो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेशन कि शायद सी के बदले में लोग डी खरीदना ना स्टार्ट हो और एक और जो दिक्कत था अगर सी का वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है शायद उसका लेबर कॉस्ट भी ज्यादा होगा अभी अगर सी के बदले में डी बनाएंगे तो अपने को लेबर कम लगेगा वील माइट हैव टू थ्रो आउट सम वर्कर्स कुछ स्ट्राइक वगैरह हो सकता है ऐसा हम लोगों ने एक और क्वेश्चन के अंदर भी पहले पास के ना कर लिया था यू माइट हैव टू थ्रो आउट सम वर्कर्स तो इन दैट केस दे कुड बी स्ट्राइक्स प्लस यू हैव टू यूलसेट देम बिकॉज यू आर थ्रोइंग देम आउट ठीक है तो वो वाला भी चीज यू ऑल शुड ट्राई टू कंसिडर ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन जो था अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन के बाद ना दे वॉज पैक ऑफ क्वेश्चन उससे पहले एक बार ना ये जो समरी है तो वो पढ़ रहा हूं कंपनी मेक्स फोर सी एबीसीडी एज पर अकाउंटेंसी दैट इज एब्जॉपन कॉस्टिंग बट इट इज एज पर एब्सॉप्शन कॉस्टिंग ओके ट जो प्रोडक्ट सी है ना इट इज मेकिंग अ लॉस वो वाला चीज यहां पर तो वो होना चाहिए बट रिलाइंग अपॉन दीज सिचुएशन कंपनी इज थिंकिंग टू फुली और पार्शली डिसकंटिन्यू सी ओके तो वो स्टेटमेंट्स के हिसाब से सी वॉज अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट तो उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए इट इज गिवन दट फिफ्टी परसेंट ऑफ द मार्केट ऑफ सी सच दट इफ सी इज नॉट गिवन पीपल रूली डी इट इज ऑल्सो गैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द मार्केट इज सच दैट सी इज नॉट सप्लाइड सेल्स ऑफ ए विल ऑल्सो भी फॉलो तो वो वाला भी एक पार्ट मैंने आप लोग को बोल दिया नथिंग इज गेवन अबाउट द लास्ट ट्वेंटी स्टॉप उसका आगे कुछ और इंपैक्ट वगैरह नहीं होगा वी फाइंड आउट द प्रोफिट यूजिंग बोथ आर मेथड बोथ आर मेथड मतलब एक टोटल मेथड और एक वो डिफरेंशियल वो रेलिवेंट रेवेन्यू एंड रेलिवेंट कॉस्ट ठीक है इन कमेंट वी सी अबाउट वेर एवर एनी डिसीजन इनवॉल्व अ परसेप्शन अबाउट द मार्केट डू प्रॉपर मार्केट रिसर्च बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच डिसीजन सी इज प्रोफिटेबल थिंकिंग दैट पीपल विल बाई डी सी इज नॉट अवेलेबल मे लीड टू अवर्सर सिचुएशन ठीक है तो वो वाला एक चीज अपने दिमाग में रहना चाहिए ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ विल स्टार्ट अवे विदक ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन एक सिक्सटी था सिक्सटी वन था सिक्सटी टू था और सिक्सटी थ्री था यह चारों क्वेश्चन वट डू ऑल ट्राई टू बर्निंग अच्छा अभी ये सब क्वेश्चंस के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या थी दैट वी वर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी फुल कैपेसिटी मतलब अपने पास कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी वगैरह यहां पर वो नहीं था ठीक है लेकिन एक दिन अपने पास एक ऑफर आता है तो आप लोग सोच रहे हो ऑफर एक्सेप्ट करूं या ना करूँ अभी अपने पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन था आप अपना कैपेसिटी बढ़ाओ उसके लिए आपको एक कैपिटल कॉस्ट की जरूरत है एक प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की जरूरत है तो फर्स्ट केस के अंदर हम लोग को जो ऑफर मिलेगा उसे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएगा लेकिन अपने को अपना कैपेसिटी वो बढ़ाना पड़ेगा तो अपने को एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा दैट बी कॉस्टिंग सिक्सटी लेकिन ये सिक्सटी थाउजेंड जो है प्लांट एंड मशीनरी है विच हैव लाइफ ऑफ टू ईयर्स ठीक है अभी एक साल के बाद

तो नथिंग एल्स क्वेश्चन नंबर जो 61 वन था यहाँ पे क्या था कि आपको इस साल एक ऑफर मिलेगा आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज उससे कमाने का मौका जो है तो वो मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आप लोग एक एसेट खरीदोगे दैट विल बी हैविंग लाइफ ऑफ टू इयर्स फॉर सिक्सटी थाउजेंड लेकिन क्या है एक साल के बाद ये वाला एसेट बिक नहीं सकता ऐसा ऑप्शन के अंदर कुछ दिया ही नहीं ठीक है तो फिर आप लोगों ने सोचा यार नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कुछ ऑफर वो मिल सकता है क्या तो आप लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट ईयर अपने को एक ऑफर मिल सकता है जिससे हम लोग पच्चीस हजार रुपया कमा सकता है ठीक है सो दिस पच्चीस हजार रुपया विल गो टू रिड्यूस योर कैपिटल कॉस्ट क्योंकि यही सिक्सटी थाउजेंड की वजह से आप वो वाला ऑफर भी एक्सेप्ट कर पाओगे सो दे फोसटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और नेट कॉस्ट वी थर्टी फाइव तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन लेस इन दिस केस थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का तुम्हारा जो कैपिटल कॉस्ट नेट जो है तो वो बच गया एंड पंद्रह हजार रुपए का प्रॉफिट आएगा ना उससे अपने वो मिल जाएगा लेकिन एक एसेट भी खरीदना पड़ेगा बिच एज लाइफ ऑफ टू इन सो देटल थाउजेंड माइनस इन दिस केसाइव थाउजेंड सो देउ

ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही था बस ना यहां पे अपने को ये नहीं दिया होता कि नेक्स्ट ईयर कोई ऑफर आएगा या नहीं आएगा तो हम लोगों ने एक मारा कि नेक्स्ट ईयर अपने को एक ऑफर आएगा जिससे हम लोग मिनिमम इतना कमा पाएगा दैट दैट मिनिमम इतना यू ऑल हैड हैड टोल्ड मी एनी नंबर नंबर कम टू योर माइंड वो जो भी तुम्हारे दिमाग में आया उसको सिक्सटी थाउजेंड अंदर से लेस कर दिया तो अपने को नेट कैपिटल कॉस्ट जो है तो वो मिल गया ठीक है तो फिफ्टी थाउजेंड माइनस दैट पर्टिकुलर फिगर अगर एंड के अंदर पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट कर लेना बना रिजेक्ट कर लेना ठीक है तो मैंने बस यही चार क्वेश्चन का एक एक लाइन का ना इधर समरी बना के रखा हुआ है ठीक है एक एक लाइन का मतलब सुनो मेरी बात दीज ऑल कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन तो वन स्टार रैंकिंग है इनका ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर अबाउट दिस ऑफर इन दिस ईयर वेयर अ कैपिटल एसेट इज रिक्वायर्ड ठीक है विच हैज अ लाइफ ऑफ टू इयर्स डू रिमेंबर इवन कैपिटल कॉस्ट इज अ कॉस्ट याद रखना कैपिटल कॉस्ट बेटा कॉस्ट ही होता है कॉस्ट ही होता है क्वेश्चन नंबर के अंदर वी सेल एसेट आफ्टर वन ईयर सो वी टेक द नेट कॉस्ट नथिंग है जो अपना क्वेश्चन नंबर वो 60 था आज सिक्सटी में खरीदोगे एक साल के बाद फोर्टी के अंदर बेच दोगे क्वेश्चन सिक्सटी वन जो था वी एक्सपेक्ट अदर ऑफर इन द नेक्स्ट ईयर एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट विल गो टू रिड्यूस आर कैपिटल कॉस्ट एक्जैक्टली सेम इधर भी एक्जैक्टली सेम इधर भी और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री के अंदर तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ मार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ठीक अभी ना क्वेश्चन नंबर 64 ये फंडा के ऊपर स्टार्ट हुआ था लेकिन 64 बस करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज वो बोला था वन ऑफ द कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है यू विल हैव टू लूज समथिंग टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर ठीक है ऐसी वाली चीज़ को जिसको आप लूज कर दोगे इस कॉल्ड इज ऑपरचुनिटी कॉस्ट तो कभी भी क्वेश्चन के ना कुछ भी स्पेयर सॉरी कभी भी कोई भी क्वेश्चन के ना कैपेसिटी वर्ड आता है ना और उसके बाद कोई ऑफर आता है पहले इंश्योर कर लिया करो वो ऑफर के लिए तुम्हारे पास इनफ कैपेसिटी है ना अगर इनफ कैपेसिटी नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन है भाई और वो एक ऑप्शन क्या है यू विल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर दैट इज वॉट गोइंग टू बी टॉकिंग ऑफ ए नथिंग ठीक है अच्छा तो कभी भी फ्यूचर के अंदर वर्ड कैपेसिटी कम प्लीज इंश्योर दैट दिस थिंग कम्स टू योर माइंड भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है और मैंने आपको इसके साथ दो रूल भी बताए थे क्या दो रूल अगर कोई भी ऑफर आया बाय डिफॉल्ट याद रखना वो ऑफर डिवाइड नहीं हो सकता अगर कोई एक ऑफर आए सपोज दो हजार यूनिट का तो आप लोग ये नहीं बोल सकते मैं पंद्रह सौ यूनिट ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना ही स्पेयर कैपेसिटी है ऐसा नहीं हो सकता बाई डिफॉल्ट इधर यू कंप्लीटली एक्सेप्ट और यू कंप्लीटली रिजेक्ट पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल दैट इज फर्स्ट थिंग ठीक है सेकेंड पर्टिकुलर थिंग होवे हिस्सर ध्यान से सुनना सर आप प्लीज तो सेकंड पर्टिकुलर थिंग ओवेर इज ट बाई डिफॉल्ट जो भी आप नॉर्मली बनाते हो बाई डिफॉल्ट जो भी आप नॉर्मली बनाते हो नॉर्मली बनाते हो दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस इज नथिंग बट ऑलवेज डिविजल वो वाला चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर एक्स कॉरपोरेशन इज वर्किंग एट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग टेन थाउजेंड यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट रोज सिक्सटी चलो ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रोज सिक्सटी आर डायरेक्ट मटीरियल टू डायरेक्ट लेबर थ्री फैक्ट्री ओवर एट फाइव ठीक है अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स का हम लोगों ने दो पार्ट किया था वन इज योर वेरिएबल वाला पार्ट वन इज फिक्स्ड वाला पार्ट फिक्स्ड वाले पार्ट के लिए ये थर्टी थाउजेंड अपने को दिया हुआ था दस हजार अपने को दिया हुआ था so सो पर यूनिट वाज थ्री एस ठीक है आगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल वेरिएबल इन दिस केस आर रुपीज पर यूनिट एंड सेल्स प्राइस इज रुपीज पर यूनिट ठीक है चलो तो आप लोग जो नॉर्मली प्रोडक्ट बनाते थे ना इस क्वेश्चन के ना वो रो 60 था हम लोग दस हजार यूनिट वो बनाते थे और ने लिखा हुआ है दैट वी वर प्रोड्यूसिंग एट आर फुल कैपेसिटी ठीक है तो अपने पास कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी वगैरह नहीं था एक अपने पास एक कस्टमर आया था कॉल्ड एज रोजवेल कॉरपोरेशन वो अपने को बोला कि आप हमारे लिए ना ऑरेंज सिक्सटी बनाओ ऑरेंज सिक्सटी इज समथिंग लाइक योर रोज सिक्सटी ओनी ठीक है तो जैसे रोज 60 का मैन्युफैक्चरिंग है ऑरेंज 60 भी वैसा ही लेकिन जरा तो एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था ऑल वेरिएबल दैट कॉस्टिंग फोर पर वो तुम्हारा एक और खर्चा था ठीक है नाउ अभी ध्यान से जरा सुनना अभी यहां पर कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो गया था क्या एक कस्टमर था वो तुम्हारे पास आया बोलता 2000 यूनिट ऑफ ऑरेंज सिक्सटी बना मैंने बोला स्पेयर कैपेसिटी नहीं है बोलता कि बनाने का है तो तू वो बना ले फिर अगर रिजेक्ट करने का है तो कर दो तो पार्ट ए के अंदर अपने को बस क्या बोला था कि अगर आपको ऑरेंज 60 बनाने का है तो वो जो ऑफर के अंदर आए तो तुम्हारा रेलेवेंट कॉस्ट कितना होगा तो कॉमन सेंस है क्या सोच लेने का सर सबसे पहले ऑरेंज 60 बनाएंगे सर आप उसका खर्चा निकाल लेना उसके खर्चे के अंदर एक चीज़ जरा जो इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो कॉस्ट था ना ये वाला जो कॉस्ट था ये रो सिक्सटी का था तुम्हारे नॉर्मल प्रोडक्ट का ठीक है तुम्हारे नॉर्मल प्रोडक्ट का लेकिन ऑरेंज सिक्सटी के अंदर ये वाला जो कॉस्ट है ना इसका आधा विल बी शेयर बाय द अदर कंपनी मतलब जो हमारा कॉस्ट है सिर्फ आधा ही बच जाएगा यहां पे देखो वो लिखा होता है रोजवेल कॉरपोरेशन हैज हाँ ऑफर टू इक्वली शेयर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विद एक्स कॉर्पोरेशन ठीक है तो इन दिस केस अपने को पार्ट वन के अंदर क्या बोल दिया था वट इज रेलिवेंट कॉस्ट टू एक्स कॉर्पोरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टू थाउजेंड ऑफ ऑरन सिक्सटी तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा पहले हम लोग ऑर एन सिक्सटी बनाएगा तो अपना एक खर्चा वगैरह वो हो ही जाएगा तुम लोग वो वाला खर्चा निकाल लेना ठीक है सेकंड थिंग सेकेंड थिंग सेकंड थिंग क्या था कि ना अगर हम लोग ऑरेंज 60 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अपने पास तो स्पेयर कैपेसिटी नहीं है बिकॉज वी वर टू बी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी तो आप लोग वहां से कुछ ना कुछ लूज कर दोगे वहां से जो आप लूज कर दोगे दैट विल बिकम आर कॉस्ट ठीक है दैट्स इट वहां से जो आप लूज कर दोगे दैट विल बिकम आवर कॉस्ट तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आया था तो कुछ अठारह हजार रुपए वो आया था ऑरेंज सिक्सटी बनाने का खर्चा और अठारह हजार रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग लूज कर रहे थे तो टोटल थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज आ गया था ये था तुम्हारा वन ए उसके बाद वन बी तुम्हारा पार्ट स्टार्ट हो गया था वन बी के अंदर क्या बोला अभी हम लोग हमारा कैपेसिटी ही बढ़ा देंगे अगर कैपेसिटी ही बढ़ा दोगे फिर फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा रोज सिक्स बन रहा था अभी अगर कैपेसिटी ही बढ़ा दोगे तो तुम्हारा ऑरेंज सिक्सटी भी बढ़ भी बनी जाएगा अब तुम्हारा रेलिवेंट कॉस्ट कितना होगा वो अपने को वन वो बोला था तो सबसे पहले आप ऑन सिक्सटी बनाओगे तो उसका खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अभी तुम्हारा ऑपरचुनिटी कॉस्ट तो नहीं आएगा लेकिन उसके बदले में कैपिटल कॉस्ट आ जाएगा अभी कैपिटल कॉस्ट वॉज ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज लेकिन उसका लाइफ था फॉर टू ईयर्स तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने सोचना स्टार्ट किया क्या सोचना स्टार्ट किया कि यार अट्ठाईस का खर्च होगा लेकिन अट्ठाईस हजार रुपए का जब तुम्हारा खर्चा होता है ध्यान से सुनना जरा प्लीज इट विल हैव लाइफ ऑफ है आप एक साल के बाद इस एसेट का क्या करोगे तो फिर मैंने सोचा या नेक्स यार नेक्स्ट ईयर अपने को एक ऑफर आएगा ये हम लोगों ने अज्यूम किया वहां से हम लोग इतना कमा लेगा तुम लोगों ने एक फिगर मेरे को तो वो बोला होगा इन द लेक्चर वो वाला फिगर मैंने अट्ठाईस रुपए के अंदर से ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज के से, लेस करके वहां पर नेट कॉस्ट लिख दिया होगा तो एक यहां पे ऑरेंज सिक्सटी बनाने का खर्चा दैट विल बी एटीन प्लस मेरा नेट कैपिटल कॉस्ट नेट कैपिटल कॉस्ट विली ट्वेंटी एट लेस इन दिस पर्टिक्युलर केस द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट एल बी गेटिंग फ्रॉम दैट नेक्स्ट इन फिगर दैट कुड बी एनी अजम्पन दटल वो हो गया तो तुम्हारा वन बी वाला खर्चा फिर पार्ट टू ए के अंदर क्या हो गया था कोई एक और कंपनी आएगी वो अपने लिए 2000 यूनिट ऑफ रोज 60 बना लेगी तुमको अभी डिसाइड करने का था कि ऐसा एक अरेंजमेंट करें या ना करें उसका मतलब क्या होगा हम लोग पहले ये ऑफर आने से पहले हम लोग 10000 यूनिट ऑफ रोज 60 बना लेता था लेकिन अभी ये वाला ऑफर आ गया ऑफ ऑरेंज 60। ऑरेंज 60 के लिए 2000 यूनिट चाहिए तो मैं 2000 यूनिट फिर कैसे बनाऊ मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी तो नहीं है तो कोई और कंपनी थी ब्राजीन कॉर्पोरेशन वो मेरे लिए 2000 यूनिट ऑफ रोज 60 बनाएगा तो फिर मेरा 2000 यूनिट ऑफ रोज 60 का जो कैपेसिटी है वो स्पेयर हो जाएगा उसके अंदर मैं ऑरेंज 60 तो वो बना लूंगा वी हैड टू ट्राई टू इवेलुएट करे या ना करे तो मैंने तुमको शायद दो मेथड से करवा दिया रहेगा प्रॉफिट बिफोर दी ऑफर आफ्टर दी ऑफर या डिफरेंशियल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ब्राजीन कॉर्पोरेशन आपके लिए ना दो यूनिट ऑफ रोज सिक्सटी सिर्फ प्रोड्यूस करेगा आप लोगों का एस एन डी का खर्चा चार रुपए का फिर भी होगा ठीक है वो एक गलती थी जो सभी लोगों ने की थी इन द क्लास तो वो वाला गलती बस नहीं करना ठीक है तो वो आपके लिए सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है तो आप लोग का एस एन डी का खर्चा फिर भी होगा जो प्रपोजल टू भी था वो बहुत इजी था कि ब्राजीन कॉर्पोरेशन जो है तुम्हारे लिए 2000 लिए दो ऑफ ऑरेंज 60 ही बना लेगा अभी बोलो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट तो उसके लिए मेरे को यहां पे ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करना ठीक है तो एग्जैक्टली वही वाली चीज़ें मैंने यहां पर भी लिखी हुई है मैं एक बार बस वो पढ़ पढ़ देता हूं One of the cost, one of the cost in decision making is always an opportunity cost. If we do not have spare capacity, then opportunity cost will be coming. Two things to remember. By default, every offer is indivisible. By default, our regular product is always divisible. We can always sacrifice any part of our regular production. We make row 60 as our regular product and operate at full capacity of 10,000 units we get an offer for or in 60 of 2000s we do not have any spare capacity in part a we do not have any spare capacity hence we need to sacrifice 2000s of or in 60, sorry of row 60 to be making or in 60 that will become our cost cost bullet or opportunity cost again okay? in part 1 B, we start to increase our capacity to avoid the opportunity cost hence instead of opportunity cost now we will have capital cost but again with a life of 2 years जैसे आपने वो कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन ना था वी विल अज्यूम समथिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर ऑफर ठीक है आगे इन पार्ट टू ए वी हैव टू डिसाइड एक्सेप्ट पार्ट टू ए टू बी जो था ना आपने को डिसाइड करने का था व्यू है एक्सेप्ट करें या ना करें समन एल्स विल प्रोड्यूस टू थाउजेंड यूनिट्स ऑफ रोज सिक्सटी फॉर तो समन एल्स बोले तो वो जो ब्राजीन कॉरपोरेशन था ठीक है इट्स अ सिंपल थिंग एक्सेप्ट दैट डू रिमेंबर दैट अदर कंपनी विल ओनली प्रोड्यूस फॉर अस प्रोड्यूस फॉर अस वी विल स्टिल इनकर एसेंडिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी इज ऑलमोस्ट सेम एज पार्ट टू एक्सेप्ट दैट अदर कंपनी विल बी प्रोड्यूसिंग वो ऑरेंज सिक्सटी वो आप देख लेना वो बहुत सिंपल ही था ठीक है चलो ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद क्वेश्चन जो था, जो क्वेश्चन रेगुलर प्रोडक्ट था ना दैट वॉज कॉल्ड एज फोर्टी थ्री ग्रेड ठीक है उसका हम लोग वन लाख एटी थाउजेंड्स था। बनाते थे एट नाइनटी परसेंट कैपेसिटी सिंगल प्रोडक्ट था लेकिन क्या है वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए तुम को काफी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी स्पेशली दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग को बीच में की जरूरत पड़ती थी उसको उस कंपोनेंट उस का नाम था ईएच e मैंने ना तुम लोग यहां पर बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर तो करंटली हम लोग 43 ग्रेड सीमेंट बनाता है कितना डायरेक्ट वीच एट द रेट ऑफ सेवन पर आर दिस वॉज ट्वेंटी मतलब हर यूनिट बनाने के लिए फोर आवर्स लगता था और ये जो ईएच तो वाला डेटा है ना उसका ब्रेकअप नीचे तो वो दिया हुआ है अपने को ठीक है तो ये ओरिजिनल डेटा था पार्ट वन वॉज वेरी सिंपल करंट प्रॉफिटेबिलिटी निकाल देना तो हम लोगों ने करंट प्रॉफिटेबिलिटी वो निकाल दिया था उसके लिए अपने को ना ऑल दिस कॉस्ट वी हैड टू ट्राई टू लाइक यू नो वो ब्रेक इट अपन टू फिक्स वेरिएब् ब्लाब ब्ला ओके तो वेजेस तो ऑब्वियसली वॉज कंप्लीटली अ वेरिएबल कॉस्ट होनी लेकिन बाकी जो भी कॉस्ट था अपने को यहाँ पे ब्रेकअप करने का था ठीक है दैट वॉज अ सिंपल पार्ट पार्ट बी के अंदर क्या हुआ अपने को एक ऑफर आया और फिफ्टी थ्री ग्रेड से में ठीक है अच्छा वो जो ऑफर आया ना 500 यूनिट्स पर मंथ का था ये वाला डेटा एक साल का है तो हम लोगों ने 500 यूनिट्स पर मंथ को 6000 यूनिट्स पर एन करके पकड़ लिया था ठीक है एंड अकॉर्डिंगली वी ऑल हैड स्टार्टेड टू सॉल्व कि 53 ग्रेड सीमेंट वाला जो ऑफर है उसका डिटेल्स यहां पे था कि सेलिंग प्राइस वगैरह वो कितना होगा रिसोर्सेज वगैरह क्या लगेगा हम लोगों ने वो सब कुछ निकाला अपने को पता चला थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट होगा लेकिन एक चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकल गया था वेन एवर एनी ऑफर कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट डू यू हैव इनफ स्पेयर कैपैसिटी तो हम लोगों ने पता लगाया कि स्पेयर आर्ट्स अपने पास थे कि अपने पास स्पेयर आर्स जो थे वो नहीं थे अभी उसके लिए अपने को यहाँ पे स्पेयर आर्ट निकालना पड़ता है ये मैंने मेरे ख्याल से दो या तीन क्वेश्चन वो पहले भी बोला वो जो ए बी और सी डी वाला जो क्वेश्चन था इन द लास्ट लेक्चर की यू कैनॉट एड क्वांटिटी ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओके मैं यहाँ पर दो चीजें बना रहा हूँ इन रियालिटी वन ऑफ देम इज कॉल इज फोर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट अदर ऑफ देम इज कॉल इज ई एच बेटा दोनों के लिए आर्स लग रहे हैं बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग्स तो यू कन्वर्ट देम इंटू अ कॉमन मेजर दट कॉमन मेजर इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज आर्ट तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टोटली totally करंटली कितना यूज़ हो रहा है रिप्रेजेंटिंग तो तो और अपने को इस के लिए ना, सिर्फ की ही थी, तो अपने पास थे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बस कम्पलीटली पार्ट ठीक है फिर उसके बाद ये तुम्हारा पार्ट बी था फिर पार्ट थ्री के अंदर क्या हुआ तुमको बस एक सिंपल कैलकुलेशन बोला गया था कि करंटली ना आप लोग e क्या खरीदना चाहोगे इफ इट इज अवेलेबल एट सेवन पॉइंट नाइन जीरो क्या खरीदना चाहोगे ओके ऑब्वियसली यू डू नॉट से दिस सर मेरा बनाने का कॉस्ट इज नाइन पॉइंट फोर खरीदने का कॉस्ट है सेवन पॉइंट नाइन तो खरीदने का नहीं क्योंकि ना अपने पास यहां पे नाइन पॉइंट फोर के ब्रेकअप के अंदर यहां पे फिक्स कॉस्ट भी पड़ा हुआ था तो फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी यहां पर खर्चा होएगा ही होगा तेरा तो हम लोगों ने वो चीज को ना इग्नोर करके फिर निकाला तो वेरिएबल कॉस्ट ही बच गया था दर वो 7.2 तो अपने लिए 7.2 इज चीपर एज कम्पेयर टू द परचेज कॉस्ट ऑफ 7.9 जो यहां पर अपने को तो वो दिया हुआ था जो ये वाला कॉस्ट है ठीक है बस एक सेकेंड ना हाँ तो ये वाला जो कॉस्ट है इन दिस पर्टिकुलर केस वो सेवन पॉइंट नाइन बस सुनो मेरी बात तो आ, यहां पर इन दिस केस जो तुम्हारा ये वाला पार्ट था वी ऑल हैड डिसाइडेड कि लाइक यू नो इट इज बेटर टू कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर ओनली ठीक है लेकिन अभी जब तुम्हारा लास्ट पार्ट आया ना तो एक ट्विस्ट आ गया इस पूरे क्वेश्चन के अंदर और ट्विस्ट क्या आ गया कि अगर आप लोग कभी सपोज ई एच बनाओगे तो आपका आर्स यूज होगा अगर आप खरीदोगे तो आपका आर्स यूज नहीं होगा मतलब आपके आर्स बच जाएंगे वो जो आर्स बच जाएंगे ना वो कुछ नाइन्टी थाउजेंड आर्स आ रहे थे वो नाइन्टी थाउजेंड आर्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है फर्स्ट आप लोग वो आर्स को भाड़े पर चढ़ा दो तो आपको वन रुपी पर आर मिल जाएगा मतलब नाइनटी थाउजेंड दूसरा है आप उन आर्स के अंदर नाइन्टी थाउजेंड आर्स के अंदर सीवाई पी बना लेना ठीक है और सीवाई पी बेच के आप पैसा कमा लेना तो हम लोगों ने इवेल्युएट किया इज दिस बेटर और दिस बेटर पता चला दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज बेटर तो अगर आप परचेजिंग के लिए जाओगे ना आपको एक एडवांटेज है आपके पास आर्स पेयर हो जाएंगे और उन आर्ट्स के अंदर आप लोग सी वाई पी जो है तो वो बना लोगे सो दैट वॉज वन पॉजिटिव फैक्टर इफ यू ट्राई टू मैन्युफैक्चर बट इफ यू विल मैन्युफैक्चर यू विल इनकर पॉइंट सेवन एक्स्ट्रा को बोलते सर पॉइंट सेवन कैसे आया सेवन पॉइंट टू जो इधर है अपार्ट फ्रॉम दैट सेवन पॉइंट नाइन जो इधर है तो पॉइंट सेवन पर यूनिट एक्स्ट्रा तो हम लोगों ने फिर यहां पे नेट बेनिफिट निकाल लिया था दैट वाज फाइव लैख थर्टी फोर थाउजेंड इन एंड हम लोगों ने यहां पर शायद एक एजम्पन भी मार दिया था कि ये जो फिक्स कॉस्ट वो दिया हुआ है ना ये एब्जॉर्ब अमाउंट होएगा तो इन दिस केस वी शुड नॉट बी बंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है बस विद डैट आर जॉब वॉज ऑल टूगेदर डन ओवर हियर ये अपना लेक्चर का एंड भी था मेरे ख्याल से ठीक है सो दीज वर ऑल द फोर पार्ट्स एज सच ठीक है मैं बस इस चीज का जो समरी वाला वर्जन है वो पढ़ रहा हूँ

चलिए सो आई एम ऑल डन विद दिस नेक्स्ट टाइम आई सी यू विद जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनका समरी ठीक है टेक केयर गाइज ऑल द बेस्ट बाय